भारत में स्पेस प्रोग्राम की दुनिया में एक और नए युग की शुरुआत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने 18 नवंबर 2022 को देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा है, जबकि स्पेसएक्स इलोन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है जो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करता है, स्पेस टूरिज्म को दुनिया के सामने ला रहा है। उसी प्रकार भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी इसरो है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की एक निजी कंपनी है जिसकी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के तहत 22 जून 2018 को हुई थी। इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ पवन कुमार चंदाना हैं, जिसने प्राइवेट रॉकेट बनाया। इस रॉकेट का नाम विक्रम है, जो कि भारत के पूर्व महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम है प्रारंभ। इसी के साथ भारत ने प्राइवेट सेक्टर में अपने पैर जमाते हुए इतिहास रच दिया। अब भविष्य में भारत भी इंसानों को अंतरिक्ष में घुमा सकेगा, वो भी अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम पैसों में। इससे इंटरनेशनल कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी और बिजनेस को एक नया मुकाम मिलेगा। अब भारत भी देशों में शामिल हो गया है जिनके पास सफल निजी स्पेस कंपनी है। सच में दोस्तों, भारतीय होने पर गर्व होता है। दोस्तों एक लाइक तो बनता है उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जिनकी वजह से भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में अन्य देशों को टक्कर दे रहा है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।